नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा आयुर्वेदिक क्लिनिक से आज बात करूंगी क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डायबिटीज़ के लिए, क्या कारण हैं जिनसे हमें बचना चाहिए ताकि हमें शुगर ना हो, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हर घर में एक शुगर का पेशेंट है, अदरवाइज प्री डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन है। तो इसमें हम सबसे पहले मैं बात करूँगी डाइटरी हैबिट्स की कि क्या क्या डाइट्स जो लेते हैं हम गलत, जिसकी वजह से हमें शुगर होती है। एक तो कोल्ड ड्रिंक्स, अक्सर घर पे कोई आए तो एक ट्रेंड है कि कुछ भी ना करना पड़े, एक बॉटल खोलो और कोल्ड ड्रिंक सर्व करो, काम खत्म। दिस इज मेन कॉज ऑफ डायबिटीज। पैक्ड फ्रूट जूसेस, ये भी बहुत, क्योंकि कुछ करना ना पड़े ऐसी चीज़ें लोग लाते हैं मॉल से कि आप निकालिए बॉटल ग्लास में डालिए और सर्व कीजिए, दैट्स इट। आइसक्रीम, ये भी बहुत अच्छी लगती है सबको बट शुगर करती है। ऑयली फूड्स, जंक फूड्स लाइक भटूरे छोले, समोसे। स्वीट फूड्स लाइक स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, टॉफीज, चॉकलेट्स, केक्स। फैटी फूड्स, मठियाँ, फेनियाँ, पकोड़े, कॉमन है ये सब, कोई भी आए पकोड़े बनाना। हम किसी को गिफ्ट करते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, चॉकलेट्स लेके जाते हैं, केक्स लेके जाते हैं, मुझे लगता है वो टाइम आ गया है जब हम किसी के घर कुछ ले जा रहे हैं ना, हमें सोचना चाहिए कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे कि अगला बंदा अगर इसको खाए तो ऐसी चीज़ दो कि उसकी हेल्थ यहाँ पहुँच जाए, ये नहीं कि अगर वो बीमार है तो यहाँ पहुँच जाए। तो ये सोचिएगा नेक्स्ट टाइम किसी को कुछ भी गिफ्ट करें, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इसलिए एडवाइस कर रही हूँ ताकि लोगों को खाने का रुझान आपकी चीज़ को देख के उस तरफ हो जाए कि ये हेल्दी ऑप्शन है तो मुझे इसको अडेप्ट करना चाहिए अपनी लाइफ। और नेक्स्ट जो है एक्सेसिव लिक्विड्स, यानी बहुत ज़्यादा जो मिल्क का इनटेक करते हैं, तीन तीन बार कुछ लोग दूध पीते हैं, काम फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करते, तो वो भी एक शुगर का कारण है। पानी, व्हाट्सएप पे अक्सर मैसेज आता है कि आप 8 गिलास पानी पीजिए, 10 गिलास पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए। जो आदमी सारा दिन एसी में बैठा हुआ है, कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहा, अगर वो दिन में 10 गिलास पानी पिएगा और एक सड़क पे मजदूर खड़ा है गर्मी में जो काम कर रहा है, उसको भी आप कहो कि 10 गिलास पानी पीजिए, तो क्या ये वैलिड है? नहीं। आपके शरीर की जितनी वर्कलोड है उसी के अकॉर्डिंगली आपका डाइट या पानी का नीड होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको लेना है, बजाय इसके कि आप काउंट कर कर के पानी पीते जा रहे हो और टॉयलेट जाते जा रहे हो। सॉर फूड्स यानी खट्टे खाने जो बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं, इमली, नींबू, अचार, ये भी एक कारण है। न्यू ग्रेन्स, नए अनाज, आजकल तो पता ही नहीं लगता कि पुराने हैं या नए हैं, जो भी फूड मिलता है हम लेते हैं। पहले ज़माने में लोग सेव करते थे कि एक साल का अनाज, और हमारे एंसेस्टर्स ये देखते थे कि पुराना अनाज लें क्योंकि वो ज़्यादा लाइट होता था और हल्का होता था। और मीट बहुत ट्रेंड है आजकल नॉनवेज खाने का, बट शुगर के लिए बहुत अच्छा है, शुगर करने के लिए, तो इसका इंटेक कम कीजिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भी ये बहुत अच्छा है। शुगर के जिनको शुगर है या टेंडेंसी है या हेरिडिटरी है, तो इसका यूज़ थोड़ा सा कम करें। गन्ने का, जैगरी, गुड़ का भी एक मिथ है कॉमन पब्लिक में कि गुड़ जितना मर्जी खा लो उससे शुगर नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर आपको शुगर है या आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं या आपकी हेरिडिटरी है, तो हर मीठी चीज़ आपके लिए शुगर का कारण है, उसमें गुड़ भी है। मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा, पनीर, खोया, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें। होता क्या है, ये सारी डाइट्स जो हैं ये हमारी बॉडी में आम दोष को बढ़ाती हैं। आम एक, अगर आप दूसरी लैंग्वेज में सोचें तो एक फ्री रेडिकल या टॉक्सिन समझ लीजिए, जो ना पके हुए वातपित्त कफ के साथ मिलके मेदो धातु के साथ यूरिन से निकलता है, जिससे वो वातपित्त कफ अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते, और हमें जब वो यूरिन से निकलता है बार बार मेदो धातु के साथ, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वीकनेस आती है। शुगर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, तो ये मेन कारण है। इसलिए इन डाइट्स को प्रिवेंट कीजिए अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं, और अगली वीडियो में जो मैं डाइट्स लेनी चाहिए वो बताऊंगी, उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू।